हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल और मनीता। आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। और भाई चलो, जय कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पर बन रहे हैं प्याज के पराठे, खाली प्याज के पराठे बन रहे हैं, बड़े बड़े प्याज काट के। और ये देखो भाई, अलग अलग तरीके से डिश बनाती रहती है हमारी बहू रानी को, अलग अलग तरह के डिश बनाने आते हैं और वो कुछ भी करती रहती है लगातार, रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से बनाती रहती है। और ये देखो कितने अच्छे से ये बन चुका है पराठा। थोड़ा सा उधर से लग गया क्योंकि प्याज तो निकल ही जाते हैं। तो यहाँ पर बन रहा है हमारा पराठा, और पराठा इतना टेस्टी बना था कि भाई खाने में मज़ा ही आ गया। सुबह के नाश्ते में इतना अच्छा पराठा हो जाए तो मज़ा आ जाता है। गाय का घी है, पीला पीला आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो इसलिए क्योंकि हम गाय का ही दूध लेते हैं तो इसलिए घी तो पीला होएगा, तो इसलिए यहाँ पर पराठा हो गया है बन के तैयार। और ये देखो कितने अच्छे से ये टूटा है, बहुत अच्छे से बन गया है। और यहाँ पर अब बना लेते हैं और भी पराठे, जो सब खाएंगे भाई, दोनों तीनों सदस्य जो भी हैं हम घर में, छोटी सी हमारी फैमिली है। तो ये देखो एप्पल नुमा पराठा हमारी बहू रानी ने बना दिया भाई। इस पे कुछ भी बनवा लो, अलग अलग तरह के डिशेज और अलग अलग तरह की शेप में बनाती रहती है। तो यहाँ पर हो गया है पराठा बनकर, आ गया है तवे पर, और तवे पर इसे सेक लेंगे घी से। और देसी घी ऐसा मत समझना कि डालडा है या हम बिल्कुल डालडा वालडा बिल्कुल नहीं खाते, रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन डालडा यूज नहीं हम करते, ना रिफाइंड यूज करते हम। सरसों का तेल घर का बना हुआ नहीं, घर का खेत का अपने हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर बन गया है एप्पल वाला भी पराठा, आइए आप लोग भी खा लीजिए। और चलो भाई, मैं यहाँ पर आप लोगों को बुला रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि आ जाइए आप सब लोग भी नाश्ता कर लीजिए भाई। सुबह सुबह का नाश्ता दही और पराठा हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। लेकिन हम पराठे इतने भी नहीं खाते भाई लोग कि हमें, हम रोज़ रोज़ पराठे खाते हैं, हम बिल्कुल भी नहीं पराठे खाते। आज पता नहीं कितने महीने में बने होंगे पराठे। तो आ जाइए और नाश्ते का मज़ा लीजिए, क्योंकि आवाज़ मैंने इसलिए वॉइस ओवर कर रही है क्योंकि बाहर से ना आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज आ रही थी। और ये है मेरी अगले दिन शाम की वीडियो, जहाँ पर बन रहे हैं हमारे चीनी की पूरी, मीठी पूरी बोलते हैं जिसको, सुहाली भी बोलते हैं हमारी हिंदी भाषा में, हमारे गांव की भाषा में। तो हम बनाएंगे वो, क्योंकि ये है हमारे पति देव की फरमाइश, उन्हें जाना है ड्यूटी पे, तो हम बना रहे हैं उनके लिए। ये चीनी हमने घोल दिया, पानी इसमें डाल दिया, थोड़ा सा गर्म कर दिया, अब इसको रख दिया ढककर। यहाँ पर आटा हमने बना लिया था, बहुत अच्छा आटा बन गया है इसमें, बहुत अच्छा, इसमें मोन वोन डाल के बड़ा अच्छा और बड़ी टेस्टी पूरी बनी थी भैया। कमाल हो गया था पूरी बनने में हमारी, सुहाली कह लो, पूरी कह लो, मीठी पूरी कह लो भाई, कमाल ही हो गया था इनको बनने में। और पति देव जी को खाना ले जाने में सहूलियत हो गई, क्योंकि भाई ये तो कई दिन तक भी खा लो, इतनी अच्छी चीज़ें होती हैं, नरम मुलायम भाई बेस्ट। आटा मैंने आपको बनाते हुए नहीं दिखाया क्योंकि मेरे यार वीडियो क्लिप में लेना वो भूल गई, तो इसलिए हमें एकदम से याद आया कि भाई हमें तो वीडियो क्लिप लेनी थी आटे की, लेकिन हम भूल गए। अब मैं दोबारा बनाऊँगी तब आपको आटा की क्लिप ज़रूर दिखाऊँगी मैंने कैसे आटा बनाया था इसका। तो यहाँ पर पूरी हमारी बनकर हो गई है तैयार, और ये जो लकड़ी का हुट के सब लेके गए भाई, इसमें तो कमाल ही हो गया था रख करके। फिर इनके पापा को हमने दे दी, और ये देखो अपनी बना के हमने रख ली भाई, इतनी टेस्टी, 8 दिन तक भी ख़राब नहीं, कितनी मुलायम है, टूट के भी गया, एक टुकड़ा टूट चुका है, और भाई कमाल हो गया। हमने कई दिन तक इनको खाया, बहुत अच्छे से बहू ने दबा करके रख दी है, उठा करके। ये देखो कितने अच्छे से हमारा हुट के, इस भाई काम की चीज़ है ये, बहुत अच्छा। और ये देखो यहाँ पर हमने रख दी है इनको एसी मिला करके, और हुट के इसने इतना बेस्ट निकला ये कि इसमें ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं हुई। हमने 3-4 दिन तक खाई, और ये देखो पतिदेव की हो गई है चलने की तैयारी, पूरी पूरी उनका नाश्ता वास्ता, वैसे पराठे सब कुछ हमने दे दिया, पूरी भी दे दी, और वैसे पराठे अचार सब्जी सब कुछ हमने रास्ते का खाना उनको दे चुका, पूरी दे दी मीठी, इसलिए कि वहाँ पर भी अपना खा लेंगे, घर का खाना घर का ही होता है। यहाँ पर हो रही है चलने की तैयारी, बोरानी ने सुबह से लगे लगे इतने काम कर दिया कि अपने ससुर जी के लिए इतनी अच्छे अच्छे से डिश बना करके दी,
मज़ा ही आ गया। और ये यहाँ पर दे रहे हैं कान्हा जी को पैसे, बोरानी को पैसे, सबको हमें पैसे मिल रहे हैं भाई, 100-100 रुपये सबको हमें पैसे मिल गए हैं। और यहाँ पर बेटे को दिए जा रहे हैं पैसे, अब चलेंगे छोड़ने, हम पूरी फैमिली जाएगी उनके साथ उनको छोड़ने के लिए। यहाँ पर तैयारी हो चुकी है, बैग तैयार हो करके गाड़ी के पास आ चुके हैं और बूढ़ानी भी आ गई है। अच्छा मन लगता है जब सब साथ में चलते हैं, लेकिन ये हमें छोड़कर ड्यूटी पर चले जाएंगे अपने। यहाँ पर हम आने ही वाले हैं रेलवे स्टेशन पर, जहाँ हम इनको बैठाने आए हैं रेलवे स्टेशन पर। और भाई ड्यूटी वाला तो जाएंगे ही, कुछ भी करो, किसी का मन लगो ना लगो, नौकरी तो नौकरी ही होती है, इसलिए चलती है भाई अपने गंतव्य की ओर को, ड्यूटी की तरफ पूरी। ये देखो यहाँ पर दुकानें हैं, अच्छा रेलवे स्टेशन है तो अच्छा ही है, बढ़िया है। और देखो गाड़ी से उतर कर जा रहे हैं, हम गाड़ी उधर नहीं ले गए क्योंकि उधर मोड़ने की जगह बिल्कुल नहीं थी, बहुत भीड़ थी अंदर, तो इसलिए यहीं से छोड़ दिया कि भाई चलो आराम से जा करके, पैदल तो कहीं भी निकल जाते हैं भीड़ से, तो इसलिए चल दिया। हम वापस आ रहे हैं अब छोड़ करके उनको अपने घर की तरफ को, नहीं फिर भाई क्या करें। और ये है मेरा अगले दिन का वीडियो, क्योंकि हमें जाना है कहीं शॉपिंग करने के लिए, चल दिए घर में इतने सामान चाहिए ना, कहीं ना कहीं घड़ी जो मेरी वॉच नहीं आई थी वो मैंने बांध लिया है, मुझे बड़ी अच्छी लग रही है वॉच, मैंने सोचा चलो इसको भी मान लेते हैं। बोरानी ने बांध दिया हमारे हाथ में वॉच को, और यहाँ पर हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है चलने के लिए। भाई हम सारे साथ ही चल देते हैं बैठ कर के गाड़ी में फटाफट से, क्योंकि सामान लाते हैं, चलो गाड़ी में बैठे हैं तो चलो साथ ही चल देते हैं, घर में अकेला बंदा हम भी क्या करेंगे, तो इसलिए चल देते हैं। गाड़ी का कवर लेते हैं उतार, क्योंकि गाड़ी पे कवर रखते हैं तभी जान बचती है, अच्छी साफ़ सुथरी करके हम गाड़ी को कवर डाल देते हैं। वो यहाँ पर तैयारी चल रही है हमारी फटाफट से चलने की। यहाँ पर आ चुके हैं हम बर्तन वालों की दुकान पे, यहाँ मैंने वॉइस ओवर ही किया क्योंकि मार्केट में ना इतनी आवाज़ आती है। यहाँ पर ये चकला बेलन तवा सब रखे, इतने अच्छे अच्छे बर्तन ना, एक से ये लड़का कह रहा पीछे कि मुझे भी ले लो आंटी इसमें वीडियो में, उसको बेचारे को अच्छा लग रहा था वीडियो बनाते टाइम। तो यहाँ पर देखो बर्तन ही बर्तन, मतलब बर्तन की दुकान है तो बर्तन ही होंगे, लेकिन अच्छे अच्छे बर्तन थे, बहुत महंगे महंगे भी और अच्छे भी, बहुत मतलब भाई कमाल था दुकान में, एक से एक बर्तन यहाँ पर था, लेकिन रेट भी भाई हाई फाई थे इन लोगों के। यहाँ पर पीतल के बर्तन हैं, ऊपर नीचे सब तरह का बर्तन थे, जिस चीज़ क्वालिटी के थे, अच्छे थे, मजबूत थे भाई, पैसे भी मजबूत थे, लेकिन महंगा बहुत था इनके यहाँ पर। हमारी बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं बनी, बिल्कुल नहीं बनी, क्योंकि सिर्फ दिखावा ज़्यादा है और रेट हाई फाई यहाँ कर गए। लेकिन चलो भाई सभी दुकानदार ऐसा ही करते हैं, कहीं सस्ता कहीं महंगा। तो यहाँ पर देखो ये फ्राई पैन और सब कुछ, कढ़ाई बढ़ाई फ्राई पैन बहुत अच्छा है, ये वाला एक मुझे फ्राई पैन पसंद आया है, मैं उसके बारे में पूछूंगी अभी प्राइस, और प्राइस बताए इसके इन्होंने 1700 रुपये कुछ पैसे। भाई सुन कर के हमने तो बिल्कुल नहीं लिया, क्योंकि रेट इतने हाई फाई थे कि पूछो मत। हमने सोचा हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे अब इसको, क्योंकि हमारा काम चल रहा है तो चल रहा है, नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, तो इसलिए भाई बहुत महंगा सब हिसाब चल रहा है आजकल, महंगाई कुछ ज़्यादा ही हो गई है। एक कटोरा भी 150 रुपये का बता रहा है, तो हमने यहाँ से बर्तन नहीं लिया बिल्कुल भी, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमारे यहाँ कटोरे ज़्यादा चाहिए, कटोरी कम चाहिए, कटोरे ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए हमने सोचा कटोरे ले ही लेते हैं, लेकिन नहीं हमारा यहाँ पर लिया गया। कह रहा है कि तुम मेरी वीडियो क्यों बना रही हो, ये डर गया था बेचारा, तो ये अगली दुकान पर आ गए। यहाँ पर अच्छे प्राइस में हमें अच्छे कटोरे मिल गए। अब जो चीज़ चाहिए वो तो लेनी ज़रूरी पड़ती है, रसोई की हो, घर की हो, कपड़ा हो गया ना कुछ भी। और यहाँ पर आ गए हम रास्ते में जलेबी की दुकान पर, जलेबी बनने के लिए हमने दे दिया क्योंकि इसके पास ताज़ी जलेबी नहीं थी, रखी हुई थी। हमने सोचा चलो भाई जब तक जलेबी बनेगी यहाँ पर दुकान से कुछ ले लेते हैं, यहाँ पर बिंदी चूड़ी टिक्की सब चीज़ों की दुकान है, तो हमने सोचा चलो भाई यहाँ से ले लेते हैं। देखो कितनी अच्छी दुकान है, छोटी सी है लेकिन सामान बहुत ज़्यादा है इसमें, फिर भी
हमने सोचा चलो बिंदी ही ले लेते हैं, यहाँ पर जो हम ले रहे थे सामान वो हमें मिला नहीं बिल्कुल भी, तो हमने सोचा चलो खाली क्यों गए भाई, बिंदी ले लेते हैं। चूड़ियाँ दिखाई इन्होंने, चूड़ियाँ जो हमें चाहिए थी वो यहाँ पर नहीं मिली, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल ख़राब थी। तो ये देखो बिंदी ले लेते हैं, बिंदी के पत्ते छोटे छोटे से, बिंदी डेली यूज में काम आती है, डेली लगाते हैं तो इनकी तो ज़रूरत पड़ती है, तो इसको हमने ले लिया। मैं देख रही हूँ इसकी चिपकन कैसी है, क्योंकि बहुत सी बिंदियाँ ऐसी आती हैं जो चिपकन बिल्कुल भी नहीं होती। तो भाई अब यहाँ पर हमने लेकर के चल दिए, और जलेबी भी हम लेंगे ज़रूर, क्योंकि और यहाँ पर आ गई हैं हम घर पर, और घर पर कान्हा जी को दे दी है जलेबी, और हम भी अब खाएंगे जलेबी भाई, और हमें भी भूख लगी है, जलेबी खा लेते हैं। कान्हा जी को हमने आते ही शुरू में दे दी थी, बेटा लगा हुआ है किसी काम में, देखो उसको गुस्सा आ रहा था बहुत तकड़े, मेरे से बोल भी नहीं रहे, मुंह बनाए हुए घूम रहा है, तो इसलिए चलो कह रहा मैं नहीं खाऊंगा जलेबी। तो हमने सोचा चलो भाई हम ही खा लेते हैं, हम सास बहू ने खाई फिर इसने भी खाई, बच्चा है ऐसे काम करते रहते हैं। अगर मैं चलो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना, बाय।